हमारे गोवा में हर कोने में हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, और इन प्लास्टिक पर जल्दी कार्रवाई नहीं की तो इसका विपरीत परिणाम स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। हर दिन नगर पालिका के माध्यम से इकट्ठे हुए कचरे से हिसाब देखा तो उनमें से 80% कचरा पॉलीथीन का होता है। हमारे गोवा में पॉलीथीन इस्तेमाल करना गैरकानूनी है, फिर भी आज गोवा के हर कोने कोने अमीर से गरीब लोग भी पॉलीथीन बैग खुले आम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे गोवा की सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई करती नहीं है। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? प्लास्टिक लास्टले म्हणतो त्याचे जायचं प्रदूषण जाता, लॉट ऑफ पोल्युशन इज देअर इन प्लास्टिक विच कॅन क्रिएट लॉट ऑफ लंग्स डिसऑर्डर्स। हा पण हांव म्हणटा ह्या भुरग्यांची बॅग जातले म्हणून ह्या भुरग्यांक हाडले आनी दाखोवं, तांकां अवेरनेस करूं, हे स्प्रेड आउट जातले आयज, कित्याक गांव गांवांनी पावतले आयज, हे आयज इस्कॉल इस्कॉलांनी पावतले। पहले बाजार में ही पॉलीथीन का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज गांव-गांव के हर घर में और छोटे छोटे दुकानों में भी पॉलीथीन का इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक उमके माइक्रोने जे वापरपाचे असे म्हणून कायदे आहा, पण ते सगळे कायदे इम्प्लिमेंटेशन जायना सारखे। प्लास्टिक वापरपाचे तर जातले, पण गव्हर्नमेंटान असे करूं जाय की एक एक पंचायतीक रेस्पॉन्सिबिलिटी घालूं जाय आणि ती इम्प्लिमेंट करूं जाय। लोकांनी प्लास्टिक सेग्रिगेट करूं जाय, ही ग्रासरूट एज्युकेशन जाऊं जाय, घर घरांनी लोकांना दाखवून जाय। हमारी सरकार ने सुव्यवस्था के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन इसकी कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। इसके कारण ये कानून सिर्फ कागज पर रह गया है। हमें लगता है कि ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में आना चाहिए, और जो लोग प्लास्टिक या पॉलीथीन बेच रहे हैं उन पर ही नहीं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन से सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि बहुत सारा प्रदूषण भी होता है। और हम लोगों ने आज से कपड़ा या कागज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं देवीदास गांवकर, इंडिया अनर्ड के लिए, कानकोणा गोवा से।